दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ टर्म टू. सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ टर्म टू इज टू वेरीफाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूजिंग टैप वाटर और सॉल्टी वाटर. राइट द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, देन एपरेटस. देयर इज अ ओवरफ्लो कंटेनर, दिस इज ओवरफ्लो कंटेनर, वाटर, बीकर, अ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस विल बी यूजिंग एंड द ऑब्जेक्ट दैट वी वॉन्ट टू डिप थ्रेड. These are the things required. This is a cork. That is the object in this case that we are going to immerse in water. Okay. So first of all, you must be aware of what is Archimedes' principle. Archimedes' principle hota kya hai? You, I don't think so are aware of this because this unit has been deleted. A flotation part was deleted. So it was there, but we have practical in our syllabus, right? So, first of all, what is Archimedes' principle? You will understand from the experiment as well. When we dip anything in the water, okay, the object will lose some weight. For example, when you swim inside water, aapko apna weight kafi kam lagta hai. You feel quite lighter, right? And the loss in weight, the weight lost by you is equal to weight of liquid displaced by you. अब ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड कौन सा है? जब व्हेन यू वेंट इनसाइड वाटर, सपोज यू जंप्ड इनसाइड वाटर, आपके जंप करने से जितना वाटर बाहर आया, जितना वाटर स्पिल होके बाहर आया, दैट इज सपोज वेट ऑफ लिक्विड, दैट इज लिक्विड डिस्प्लेस्ड. उसका वेट हम अलग से फाइंड कर लेंगे, ठीक है? उसका वेट हम अलग से फाइंड कर लेंगे एंड वी विल फाइंड कि जितना वेट हमने लूज किया था वाटर में, वो उस लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट के बिल्कुल इक्वल आएगा. दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. दैट लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. राइट, जितना वेट सॉलिड लूज करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड. सो डायग्राम यू विल ड्रॉ फ्रॉम द फाइल. डायग्राम में वही आपने शो करना है जो हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे. लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वो अभी हम नोट कर लेते हैं. रियल वेट ऑफ कॉर्क, अपेरेंट वेट ऑफ कॉर्क. नाउ व्हाट इज मेंट बाय दीज टू टर्म्स? रियल वेट मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर. वी विल डू दैट, वी विल फाइंड दैट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, दैट इज रियल वेट, दैट इज कॉल्ड रियल वेट. एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वॉटर, जब हम इसको वॉटर में इमर्स करेंगे तो उस वेट को हम बोलते हैं अपेरेंट वेट. ठीक है, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से. तो पहले इतना करते हैं. सो वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट. आई शो यू द स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. आप मुझे बताएंगे कितना इसका लीस्ट काउंट कितना है, ग्राम्स वाली साइड में बताना है आपको. हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन 0 and 50 ग्राम? 5 divisions you can see. So 5 divisions are equal to 50 gram. 1 division is equal to 10 gram. So the least count of the spring balance is 10 gram. So let us write first observation. Least count of spring balance is 10 gram. You can raise hand if you don't get any point. कहीं से अगर नहीं पता चल रहा, आप hand raise कर देना, ठीक है? So least count of this spring balance, I hope this scale is visible to you. So least count of spring balance is 10 gram because between 0 and 50 gram, this side there are 5 divisions. ठीक है? And जब हमने इसके साथ कोई भी weight hang नहीं किया, 0 पे है reading, no zero error in it. ठीक है? It is ready to use. So as I told you, this is the object whose with which we are going to do the experiment. So let us find its real weight. Okay, let's find its real weight means weight in air using spring balance. So isko main hang kar rahi hu with the spring balance, then you tell me what is the reading. Ab maine isko suspend kar diya. Aap mujhe reading batayenge, kitni reading hai isme. Is the scale visible?
तीन डिविजन्स हुई हैं, फोर्थ अभी पूरी नहीं हुई, थ्री डिविजन्स के बाद है, फोर्थ डिविजन से पहले है, ठीक है। तो ये थ्री डिविजन्स आप उसको काउंट करोगे, अगर फोर्थ नहीं हुई है तो हम थ्री काउंट करेंगे उसको। वन डिविजन वॉज 10 ग्राम, सो थ्री डिविजन्स आर इक्वल टू 30 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब रियल वेट ऑफ आर द ऑब्जेक्ट इज 30 ग्राम वेट। व्हाई वी हैव रिटन वेट विद ग्राम, बिकॉज यू नो वी आर नॉट राइटिंग मास, वी आर राइटिंग वेट, और ग्राम वेट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, ठीक है। समझ लगी ये बात, वेट लिखना है ना, तो हम उसको ग्राम में नहीं लिख सकते, 30 ग्राम को 30 ग्राम वेट लिख देंगे, देन इट विल बी ओके, बिकॉज ग्राम वेट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज अ फोर्स, सो वी कैन राइट दिस यूनिट ऑल्सो, ओके फाइन। सो रियल वेट ऑफ कॉर्क इज 30 ग्राम वेट। नाउ वी विल डिप इट इन साइड वॉटर, बट हम वॉटर में रखेंगे तो वॉट विल हैपन, इसमें से लिक्विड डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा ना, व्हेन इट विल टेक द प्लेस इन दिस कंटेनर दैट इज फिल्ड विद वॉटर अप टू द ब्रिम, तो ये ओवरफ्लो कंटेनर इसको बोलते हैं, वी कॉल इट ओवरफ्लो कंटेनर, राइट। सो हैव अ लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंटेनर, एम्प्टी बीकर आई हैव केप्ट हियर। नाउ व्हेन आई विल डिप दिस कॉर्क inside water completely, 100% I'll dip it, and side by side we will notice what is the reading of spring balance. तो आप देखोगे कि liquid has started displacing और liquid इसमें आना शुरू हो जाएगा beaker में, so let us dip it here. ये पूरा filled नहीं था, एक second, let me fill more water in it. So I dip the rubber cork. Now see, water is displacing and being collected in the beaker. So देख लेते हैं जब तक पानी निकलता नहीं है कितना water displace होता है, हो गया, ठीक है। चलिए let us note the apparent weight. Now let us note the reading of this spring balance. Now so when it is in the water, तो तब ये कम वेट एक्सपीरियंस कर रहा है, वन डिविजन ही हुई है बस, आप देखोगे कंप्लीटली इमर्स कर दिया है, वन डिविजन ही है इसमें बस, वन डिविजन। सो अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वन डिविजन, मतलब 10 ग्राम वेट, ठीक है, दैट इज 10 ग्राम वेट, ओके। सो 10 ग्राम वेट इज अपेरेंट वेट, let us find loss in weight now, that is real minus apparent weight, real weight minus apparent weight. So we have the readings with us, 30 minus 10, this is 20 gram weight. Say this is equation number 1, we have found loss in weight of this rubber cord. Loss in weight is 20 gram weight. Loss in weight is 20. Let us see how much liquid has been displaced here. Let's see how much liquid has been collected in water, in beaker. ठीक है? कितना liquid displaced हुआ है? तो ये देखिए इसकी reading. Can you read? 20, 40, 60 ऐसे divisions हैं, तो 20 तक ही almost है ना? 20 तक ही है ना वॉटर लेवल, दिस इज 20 पहली डिवीजन, देन 40, 60, 80, सो 20 है, 20 मिलीलीटर, मिलीलीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो लेट अस राइट नाउ ऑन द अदर हैंड, मास ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम, दैट इज 20 ml, और 20 यू कैन से सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने लिख लिया, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, राइट।
How can we find mass of liquid displaced? Then mass is volume into density. Density का फॉर्मूला पता है आपको, density is mass over volume. So cross multiply mass will be volume into density. You must have read the formula of density in the lower classes. So from there, mass of liquid displaced we get. Mass of liquid displaced, that is m, volume into density. Volume into density. A volume is 20 and density of water is 1 in CGS units. Volume of, हम सारे CGS unit ही ले रहे हैं ना right now, gram weight ले रहे हैं, centimeter cube ले रहे हैं. So this will be 1. Density of water is 1 gram per centimeter cube. So we multiply the volume with density of water. We get the mass of liquid displaced. Then how much is that? Mass of liquid displaced, that means is 20 what gram. So what is the weight of liquid displaced? So the weight of liquid displaced, ye aap likhoge gram ka gram weight kar doge, 20 gram weight. So weight of liquid displaced is 20 gram weight. Let us call this equation number 2. So in equation number 1, we have found loss in weight. In equation number 2, we have found weight of liquid displaced. And both are coming out to be the same. Dono ki value bilkul same aa rahi hai. Dono ki value bilkul same aa rahi hai. That means loss in weight is always equal to weight of liquid displaced by the solid, which is Archimedes principle. So ye Archimedes principle hamara prove ho gaya. Right? Is that okay, students? ठीक है, तो result लिखेंगे. Result लिखिए comparing 1 and 2. Comparing 1 and 2. On comparing 1 and 2, we find that loss in weight is equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced weight of liquid displaced. So Archimedes principle is verified. So I repeat what I have written. Result is, on comparing 1 and 2, we find that, ya seedha hi likh do, on comparing 1 and 2, loss in weight is equal to, on comparing 1 and 2, loss in weight is equal to weight of liquid displaced. weight of liquid displaced. So Archimedes principle is verified. तो इससे हमारा Archimedes principle verify होता है. All right. So this is about our experiment. This you will now write on the plain page with pencil. And on the ruled page, you know, always you have to write 5 points. Aim of experiment, apparatus, formula, theory, procedure, precautions. Okay, on the ruled page, you will write aim of the experiment, apparatus, theory, formula chahe rehne to theory mein aa jayega, theory, procedure, precautions. So these things you will write on a ruled page. Okay, fine. So I hope this experiment is clear to everyone. In the aim it is written, we are going to use tap water and salty water both. Abhi humne isko tap water se kiya.
अगर हम इसमें सॉल्ट मिक्स कर दें तो डेंसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज, तो हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा. तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सिमुलेटर विद यू वेयर यू विल सी हाउ वी कैन डू द सेम विद सॉल्टी वाटर ऑल्सो. सिमुलेटर की रीडिंग भी देख लेते हैं एक बार. यस आर्यन, मैम जो आपने भी लिखवाया है मैम, ये सारा प्लेन पेज पे लिखना है? हाँ, ये जो बोर्ड पे है ना, ये सब प्लेन पेज पे लिखना है विद अ पेंसिल. ओके मैम. और रूल्ड पेज पे यू विल यूज अ पेन. ऑलरेडी यू हैव रिटन दैट डेंसिटी एक्सपेरिमेंट, सो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द सिमुलेटर नाउ. यस, ये देखिए वही अरेंजमेंट है यहाँ पे, बट हियर द स्प्रिंग balance is having different least count, that is 5 divisions between 25 gram, 0 or 25 ke beech mein 5 divisions hain. So least count kitna hua? 1 division is of 5 gram. Yahan pe ek division 5 gram ki hai. Theek hai? And this digital scale is showing us mass of liquid displaced. So digital scale se hume direct mass mil raha hai yahan pe. So dekhiye, same kind of overflow container is there. Right, same kind of overflow container is there. So let us start the experiment with tap water. है पहले 100% हम immerse करेंगे. अभी पहले air में ले लेते हैं. So first of all we are taking in air. Okay, let us take this iron block and we suspend it now. You can see the reading. Reading कितनी है? देखिए reading scale से 75, 76, 77 से थोड़ा सा पहले है. सो वी विल टेक 75 के बाद 1 डिवीजन मोर वी विल टेक एंड 1 डिवीजन इज ऑफ 5 ग्राम. सो द रीडिंग इज 80 ग्राम. यहाँ पे आयरन ब्लॉक है ना, हमने तो एक रबर कॉर्क लिया था, तो आयरन ब्लॉक इज मोर हैवी. सो दैट्स वाई द रीडिंग हेयर रियल वेट इज 76 ग्राम. ये वाली रीडिंग्स भी लिख लीजिए साइड पे, जो भी ठीक लग गया हम वो लिख ले रहे. ठीक है, सो 76 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम इज द 80 ग्राम क्या है यहाँ पे रियल वेट ऑफ दिस आयरन ब्लॉक. ओके, सो नाउ लेट अस नाउ इमर्स इट इन टैप वाटर. नाउ आई एम सिलेक्टिंग टैप वाटर एंड आई इमर्स इट कंप्लीटली. आई सिलेक्ट 100%. आयरन ब्लॉक सस्पेंड कर दिया और कितने परसेंट? 100% हमने इसको डिप कर दिया. एंड यू कैन से सी सम वेट, सम लिक्विड हैज बीन डिस्प्लेड एंड डिस्प्लेस्ड एंड कलेक्टेड इन द बीकर एंड मास इज 120 ग्राम. उसका मास कितना है? 120 ग्राम. एंड नाउ द रीडिंग हैज डिक्रीज्ड. स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग देखिए पूरा 75 पे आ गई है. अब पॉइंटर पूरा 75 पे, तो 80 था रियल वेट, अपेरेंट वेट कितना हुआ? 70 ग्राम वेट इज द 75 ग्राम वेट इज द अपेरेंट वेट. सो लॉस इन वेट कितना हुआ? 5 ग्राम वेट. और ये नीचे कितनी रीडिंग आ रही है आपकी बैलेंस में? 120 ग्राम. ठीक है, उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इक्वली आना चाहिए दोनों केसेस में, है ना. अब वी कैन ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन ऑफ सॉल्टी वाटर. देखिए क्या इफेक्ट होगा सॉल्टी वाटर में. व्हेन यू विल टेक इट नाउ, टेक दिस आयरन ब्लॉक, तो देखिए रीडिंग कितनी आपकी हो गई अब. लेट अस इमर्स इट. इसमें डिप तो हुआ नहीं. ओके, अब करते हैं 100% इमर्स कर दिए 120 ग्राम. और रीडिंग चेंज नहीं हुई यहाँ पे, रीडिंग चेंज होनी चाहिए. 75 का 75 ही है जी. हमने अर्थ लिया हुआ है, सो जी इज 9.8. देयर वर अदर ऑप्शंस आल्सो, मार्स एंड मून. तो मार्स पे जी है 3.6, मून पे यू नो 1.6 है, तो हम वो भी ले सकते थे यहाँ पे. ठीक है, हम वो भी, हमारे पास ऑप्शन थी कि वी कुड हैव टेकन दैट आल्सो.
एंटर द अप्रल, जैसे कि पहले केस में हमारा 5 था, तो लॉस इन वेट कितना है? When the object dipped in salty water, ठीक है, salty water में ज्यादा होगा. All right. For have you ever heard about Dead Sea? तो Dead Sea में यही है कि वहां water की density इतनी ज्यादा है Dead Sea में कि वहां पे कोई sink ही नहीं कर सकता. You keep on floating in Dead Sea क्योंकि वहां पे salty water है और उसकी density बहुत ही ज्यादा है, तो वो उतना ही upthrust provide करता है. So we keep floating. उसमें कोई भी sink नहीं कर सकता. You can say. And watch this video also. Verification of Archimedes' principle. Archimedes' principle states that when a body is totally or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust equal to the weight of the fluid displaced. That is, when an object is immersed in water, it feels lighter. The buoyant force does not depend on the weight or shape of the submerged object, only on the volume of the immersed part of the object. Archimedes' principle can also be applied to an object of density greater than that of the liquid. If the density of the object is greater than that of the fluid, the object will sink. If the density of the object is equal to that of the fluid, the object will neither sink nor float. If the density of the object is less than that of the fluid, the object will float. A. The experimental verification of the Archimedes principle by immersing an iron block into tap water and saturated salty water. Materials required: bell beaker, salt, glass rod, ring of the spring balance. Place an overflow can filled with water on the wooden base. Now, hang the block from the spring balance and again note the reading of the balance. Place an empty beaker on the digital balance. Note the reading of the digital balance. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Immerse the block fully in the water. Weight of the water displaced from the overflow can to the beaker is equal to the loss in weight of the block in water. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Okay. F minus so mass of block. This is the formula. Equal to volume of block minus preparation of saturated salty water. Okay, so this is how we did the experiment actually also, right? So write this experiment in your copy now. Okay, students, have a great day.